दी। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। थाना सत्रह पुलिस ने इंडिकेट गैंग के चार मुलजिमान को गिरफ्तार करके मामला रुका बरामद कर लिया, जबकि इब्तम फरोश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ थाना रेखापुरा पुलिस ने तीन मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके भारी मकदार में अफीम और चर्स बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट मोहम्मद इमरान की खसूसी हिदायत पर जराइम पेशा अफराद और मुजरिमान इश्तहारियों के खिलाफ जारी खसूसी मुहिम में SHO थाना सत्रह मोहम्मद यूसफ ने चार रुकनी अहमद निकेट गैंग के चार मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान में सरगना मोहम्मद अहमद, मोहम्मद यासिर, अली रजा, जाहिद महमूद शामिल है, जिनका ताल्लुक मौजा मुंडे की गुराइया से है, जबकि शहरियों से चीने और चोरी किए गए लाखों रुपए मालियत का माल, मसरूका 5 लाख रुपए नकदी, 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन और 30 बोर के 4 पिस्टल और मुतादिद गोलियां बरामद कर ली। मुलजिमान के 21 मुकदमा पेश हुए, जबकि थाना सत्रह पुलिस ने बुड्डा बुराइया में तंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम अब्दुल वाहिद के कब्जा से 150 तंगे, 4 केमिकल डोरे बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी कार्रवाई में SHO थाना नेकापुरा मोहम्मद इमरान ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिमान के कब्जा से 2 किलो 160 ग्राम अफीम और 3 किलो 370 ग्राम चर्स बरामद कर ली। SHO थाना नेकापुरा मोहम्मद इमरान ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान में मंशियात फरोश रिजवान इमरान इस्लाम और कामरान अफजल शामिल है। DPO सियालकोट ने पुलिस टीम में मौजूद तमाम अफसरान मुलाजमान को तारीफी सर्टिफिकेट नकद इनाम देने का ऐलान किया और हिदायत की कि अवाम के जानो माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। जिस खबर और अपडेट के लिए देखते रहें क्या न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।